नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं दिग्विजय सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube परिवार क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CTSI टोकन और मैटिक कॉइन को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको इन दोनों कॉइन के अंदर जो एंट्री लेवल बताया था एग्जैक्ट उसी एंट्री लेवल से इन दोनों के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। और ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर जिन फ्रेंड्स ने इन दोनों की वीडियो सीरियस होकर देखा होगा उनको प्रेजेंट टाइम पर एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इन दोनों कॉइन के अंदर हो रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको CTSI टोकन के अंदर जिस पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और उसके साथ में मैटिक कॉइन के बारे में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, और उसके साथ में आपको यह भी बताने वाला हूं कि अब आपको इन दोनों के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लेवल पर एंट्री लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यह वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, शानदार होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ में आप चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं लेकर चलता हूं आपको सीधा स्क्रीन पर, और वहां से पहले मैं आपको CTSI टोकन के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी चल रही है CTSI टोकन की प्राइस $0.7026 के आसपास, और मैंने आपको CTSI टोकन के बारे में यहाँ पर जब प्राइस चल रही थी तब से बताना स्टार्ट किया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि CTSI टोकन के अंदर इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न का नाम है एडम एंड ईव पैटर्न। मैंने बताया था आपको, एडम होता है वी आकृति का, और जो ईव होता है वो होता है यू आकृति का। और जब भी कभी यह पैटर्न किसी भी कॉइन के अंदर बनता है तब वहां पर एक नेक लाइन बनती है, और इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद में उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिलता है। एग्जैक्ट वही हुआ था, जैसे इस नेक लाइन का ब्रेकआउट था तो CTSI टोकन की प्राइस यहां कहीं तक देखने को मिली। फिर क्या हुआ, बाद में इस कॉइन के अंदर करेक्शन देखने को मिला, और इस तरह से प्राइस देखने को मिली अपने को एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। और मैंने आपको फिर से CTSI टोकन की अपडेट दी थी और कहा था कि CTSI टोकन के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो एक जबरदस्त रैली आपको इस कॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं यहां पर जैसे इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ तो इसके अंदर कितनी जबरदस्त रैली देखने को मिली, और यहां कहीं तक CTSI टोकन की प्राइस देखने को मिली। फिर उसके बाद में लगातार इसके प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट क्रैश। देखिए, जिन मेरे भाइयों ने यहां कहीं इसके अंदर एंट्री बना रखी है, यहां कहीं एंट्री बना रखी है, यहां कहीं एंट्री बना रखी है, यहां कहीं एंट्री बना रखी है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद में आपको CTSI टोकन के बारे में बताया है। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पर एंट्री ले रखी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यह एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको। जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है या बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए पिछले कुछ दिनों से इसकी प्राइस लगातार इस तरह से नीचे ही देखने को मिल रही है, और दोबारा इस CTSI टोकन के अंदर एक पैटर्न का निर्माण हो रहा है जो आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इस पैटर्न के बारे में बहुत ही बार बहुत ही सारे कॉइंस के अंदर बता दिया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो पैटर्न बन रहा है इसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये तो है कप, और इस कप का जो हैंडल है वो ये वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर इस कप के हैंडल का निर्माण ही हो रहा है। और देखिए, मैंने आपको आज से 5-6-7 दिन पहले ही CTSI टोकन के बारे में बताया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर आप CTSI टोकन के अंदर इस लेवल पर एंट्री लेते हैं, ये लेवल था $0.6038 के आसपास का, तो आपको डेफिनेट एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट CTSI टोकन के अंदर हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रूफ के तौर पर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से CTSI टोकन की प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिला, और एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास CTSI टोकन ने अपना सपोर्ट बनाया, और प्रेजेंट टाइम पर इस लेवल से प्राइस लगभग 9-10% ऊपर चल रही है। तो अगर आपने यहां पर एंट्री ली होगी शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिस लेवल के आसपास CTSI टोकन की प्राइस अभी चल रही है वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो ऐसे में यहां पर CTSI टोकन की प्राइस वापस से आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है। अब देखिए, मैं आपको जिस पैटर्न के बारे में बता रहा हूं, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है CTSI टोकन, तो CTSI टोकन की प्राइस कौन कौन से लेवल तक देखने को मिल सकती है वो बात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप नेकलाइन देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी नेकलाइन से CTSI टोकन की प्राइस नीचे देखने को मिली है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, और अब धीरे धीरे इसी नेकलाइन के आसपास CTSI टोकन की प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करती है CTSI टोकन की प्राइस, तो आपको CTSI टोकन की प्राइस इस जोन के अंदर इस तरह से मूव करते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जोन के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसके चलते CTSI टोकन की प्राइस या तो साइडवेज मूव करते हुए देखने को मिल सकती है,
या इस तरह से नीचे देखने को मिल सकती है। अब अगर CTSI टोकन इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ये लेवल है 0.9018 डॉलर के आसपास का, तो आपको CTSI टोकन की प्राइस पहले देखने को मिलेगी 0.9543 आसपास, फिर उसके बाद में आपको यहां इस लेवल तक भी CTSI टोकन की प्राइस देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट की स्थिति सही नहीं चल रही है, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर लगातार डंप ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपको अल्टकॉइन की प्राइस के अंदर भी डंप देखने को मिल रहा है, तो आप अभी थोड़ा अलर्ट रहे जहां पर भी आप एंट्री ले रहे हैं वहां पर। देखिए मैंने अभी तक एंट्री की बात नहीं बताई आपको, अब मैं आपको एंट्री की बात बता देता हूं कि आपको अब शॉर्ट टर्म के लिए CTSI टोकन के अंदर एंट्री कहां पर लेनी चाहिए। देखिए अगर आपको दोबारा इस लेवल के आसपास देखने को मिले प्राइस, ये लेवल है 0.6038 के आसपास, तो यहां पर आप एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आप स्टॉप लॉस का यूज जरूर जरूर करें। दूसरा लेवल ये आता है निकलकर, ये है 0.5136 के आसपास का, यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह से यहां से इस लेवल से आपको इतना ऊपर देखने को मिली है प्राइस, वैसे अगर आपको इस लेवल तक देखने को मिलती है प्राइस, तो यहां से इस तरह से इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, तो यहां पर आप एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक एंट्री यहां पर बना सकते हैं। अब देखिए अगर CTSI टोकन की प्राइस यहां का स्टेबल होती है, ये लेवल है 0.9018 के आसपास, तो यहां पर भी आप CTSI टोकन के अंदर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आसपास स्टेबल होने के बाद में आपको इसकी जो प्राइस है, पहले इस लेवल तक देखने को मिलेगी, फिर आपको इस लेवल तक देखने को मिलेगी, फिर आपको इस लेवल तक देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो आप ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इसके आसपास अभी प्राइस स्टेबल होने की कोशिश करिए, और इस मूविंग एवरेज के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो अगर यहां पर स्टेबल नहीं हो पाती है तो प्राइस आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, और आपको एग्जैक्ट इसी लेवल पर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेकर यहां पर जाकर सेल करना है। और अगर स्टेबल होती है इस मूविंग एवरेज के आसपास, तो प्राइस आपको इस नेक लाइन से इस तरह से ऊपर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट टाइम पर CTSI टोकन के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में कहां कहां तक प्राइस देखने को मिल सकती है, और उसके साथ में आपको शॉर्ट टर्म के लिए कहां पर एंट्री लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अब मैं बात करता हूं मैटिक कॉइन को लेकर, तो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर मैटिक कॉइन की प्राइस चल रही है 2.145 डॉलर के आसपास, और मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि प्रेजेंट टाइम पर मैटिक कॉइन के अंदर एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न, और मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि जब पहले इस तरह का पैटर्न मैटिक कॉइन के अंदर देखने को मिला था, तब भी एक अच्छा खासा पंप मैटिक कॉइन के अंदर देखने को मिला था। देखिए मैंने आपको बताया था इस नेक लाइन के बारे में, और जैसे इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, तो मैटिक कॉइन की प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक देखने को मिली। मैंने इसी के बेस पे आपको एक और पैटर्न के बारे में बताया था, और मैंने आपको कहा था कि यहां पर वापस से मैटिक कॉइन के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जिसमें ये जो नेक लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी नेक लाइन से मैटिक कॉइन की प्राइस बार बार नीचे देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर इस नेक लाइन के आसपास यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैटिक कॉइन स्टेबल हो जाता है, तो मैटिक कॉइन के अंदर एक जबरदस्त रैली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स हुआ ऐसा कुछ कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर लगातार करेक्शन देखने को मिला, जिसके चलते अल्टकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने को मिला, और मैटिक कॉइन की प्राइस के अंदर भी डंप देखने को मिला। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिले, तब सारे पैटर्न फेल हो जाते हैं, सब कुछ फेल हो जाता है। बस बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर बड़ा करेक्शन आएगा, तो अल्टकॉइन की प्राइस के अंदर तो करेक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था, तब बिटकॉइन की प्राइस तो थोड़ा नीचे चल रही थी, लेकिन मैटिक कॉइन की प्राइस लगातार ऊपर देखने को मिल रही थी, तभी मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था। और फ्रेंड्स मैं यह भी देख रहा था कि अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बड़ा डंप आता है, तो मैटिक कॉइन की प्राइस आपको इस इंपॉर्टेंट नेक लाइन से नीचे देखने को मिल सकती है, और एग्जैक्ट मैंने इसका ध्यान रखते हुए आपको यह लेवल बताया था एंट्री का, और यह लेवल था 1.798 डॉलर के आसपास का। यहां तक देखिएगा मैटिक कॉइन की प्राइस नीचे देखने को मिली, और एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर मैटिक कॉइन की प्राइस इस तरह से ऊपर देखने को मिली, और इस लेवल तक भी देखने को मिली, यह लेवल है 2.219 डॉलर के आसपास। तो मेरे जिन भाइयों ने यहां पर वीडियो को सीरियस होकर देखा होगा और यहां पर एंट्री ली होगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रेजेंट टाइम पर उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर भी मैटिक कॉइन की प्राइस इस लेवल से बहुत ऊपर चल रही है और यहां कहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मैटिक कॉइन के अंदर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो सबसे पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी प्रेजेंट टाइम पर मैटिक कॉइन की प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास चल रही है। अगर वहां पर सपोर्ट नहीं बना पाती है, तो ऐसे में वापस से आपको डंप देखने को मिल सकता है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि अब आपको मैटिक कॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लेवल पर एंट्री लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर मैटिक कॉइन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट बना रही है। अगर यहां पर सपोर्ट बनाती है, तो ऐसे में प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहां पर सपोर्ट नहीं बना पाती है, तो मैटिक कॉइन की प्राइस आपको वापस से इसी लेवल के आसपास देखने को मिलेगी। ये लेवल है 1.787 डॉलर के आसपास का। और देखिए फ्रेंड्स ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इस मूविंग एवरेज के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस लेवल या इस मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिले, तो आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और देखिए फ्रेंड्स मैटिक कॉइन अगर यहां पर सपोर्ट बनाता है, तो मैटिक कॉइन यहां से इस तरह से आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो आप ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, वो भी मैटिक कॉइन को यहां कहीं मिलेगी, और इसी ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास
बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, जिसके चलते मेटिकॉइन इस तरह से नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां स्टेबल होता है तो यहां पर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं मेटिकॉइन के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूं कि अगर मेटिकॉइन इस कप एंड हैंडल पैटर्न वाली नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो मेटिकॉइन की प्राइस आपको कहां तक देखने को मिल सकती है। पहला लेवल आएगा $2.70 के आसपास का, फिर दूसरा लेवल आएगा $3 के आसपास का, फिर तीसरा लेवल आएगा $3.5 के आसपास का, फिर चौथा लेवल आएगा $4 के आसपास। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट की स्थिति बिल्कुल सही रहती है, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है, बिटकॉइन की प्राइस $60,000 के आसपास देखने को मिलती है, तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद में आपको इन तीन लेवल्स तो आसानी से मेटिकॉइन की प्राइस देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर आप मेटिकॉइन के अंदर थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूं। अगर वहां तक आपको मेटिकॉइन की प्राइस देखने को मिले तो वहां पर आप मेटिकॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं, जिसके अंदर एक लेवल तो ये वाला है $1.602 के आसपास का, दूसरा लेवल है $1.404 के आसपास का, और तीसरा लेवल है $1.203 के आसपास का। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन लेवल्स तक मेटिकॉइन की प्राइस आएगी ही आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आता है तो ऐसे में आपको इन तीनों लेवल्स तक मेटिकॉइन की प्राइस देखने को मिल सकती है, और यहां पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिप के अंदर मेटिकॉइन के अंदर एंट्री लेने की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको कहां पर एंट्री लेनी है और अब क्या हो सकता है मेटिकॉइन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।